पृथ्वी के नीचे क्या है? दोस्तों, अगर आपके मन में भी ये सवाल बना हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आखिर पृथ्वी के नीचे है क्या। तो चलिए वीडियो के साथ बन जाइए शुरू से लेकर आखिरी तक। हम आपको बताते हैं कि आखिर पृथ्वी के नीचे क्या मौजूद है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, ब्रह्मांड में ऐसे कई गोले पाए जाते हैं जो हमारी सोच से और हमारी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर हैं। हम दूसरे गोलों की क्या बात करें, हम तो अभी पृथ्वी के ही कितने रहस्य हैं जो नहीं जानते, जो हमारी पकड़ से भी परे हैं। इसलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर पृथ्वी के नीचे क्या मौजूद है। दोस्तों, इस एक ही सवाल में दो सवाल छुपे हुए हैं। पहला सवाल ये कि आपके पैरों के नीचे क्या है, और दूसरा सवाल ये कि अगर आप पृथ्वी को खो देंगे तो क्या आप दूसरी तरफ से अंतरिक्ष में निकल जाएंगे। दोस्तों, आपके इन दोनों सवालों के जवाब दिए जाएंगे। कुछ इंसानों के सवाल पहले वाले सवाल की तरह होंगे तो कुछ इंसानों के सवाल दूसरे वाले सवाल की तरह होंगे। आपको इस वीडियो में दोनों सवालों के जवाब दिए जाएंगे। दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें पृथ्वी की संरचना को समझना और जानना पड़ेगा। सबसे पहले पृथ्वी के आकार की बात करते हैं तो आपको बता दें कि पृथ्वी का आकार लगभग गोल है। ये अपने बीच से चपटी भी है। यही वजह है कि पृथ्वी के आकार को अंडाकार माना गया है। अब बात करें पृथ्वी की संरचना की, तो पृथ्वी की संरचना विभिन्न भागों में बनी हुई है। जैसे इसे किसी सब्जी से मेल मिलाया जाए तो ये एक प्याज की तरह होगी। सबसे पहले हम पृथ्वी के केंद्र की बात करते हैं। इसे कोर भी कहते हैं। कोर पूरा मेटल से बना हुआ होता है। साइंटिस्ट का मानना है कि यहाँ का तापमान 10,000 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है, और यह पृथ्वी का सबसे गर्म भाग होता है। कोर के ऊपर मेटल की लेयर होती है और उसके ऊपर क्रस्ट की लेयर होती है। अगर आपके मन में ये सवाल है कि इसी की वजह से पृथ्वी और समुद्र और जमीन सब कुछ एक लेवल पर होते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये जितने भी पहाड़, समुद्र, जमीन सब ग्रेविटी द्वारा जमीन की तरफ केंद्रित हो रहे हैं। अगर आप पृथ्वी को खोदना शुरू भी करते हैं तो आप पृथ्वी को खोदते खोदते आखिर में पृथ्वी के कोर की तरफ पहुंच जाएंगे, जहां का तापमान सूर्य की सतह जितना गर्म रहता है। और ये बात केवल कल्पना में ही संभव हो सकती है कि हम वहां तक जिंदा पहुंच सकें। चलिए, जानकारी के लिए अगर हमने मान भी लिया कि हम खोदते खोदते वहां तक पहुंच भी गए, हम कोर तक पहुंच गए, अब हमने उसको भी खोदना शुरू कर दिया, उसको खोदने के बाद हम पृथ्वी के एक जमीनी भाग से दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे। इसको आसान शब्दों में समझा जाए तो जैसे हमने इंडिया में गड्ढा खोदना शुरू किया तो वो किसी साउथ अमेरिका के स्थान पर जाकर खुलेगा। अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए तो एक बॉल ले लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर उसमें बिल्कुल सीधा गड्ढा कर दीजिए। ये होल बिल्कुल आर पार हो जाना चाहिए। अब उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। ऐसा ही पृथ्वी के साथ भी होगा। ऐसा रियल में करना इम्पॉसिबल है। अब तक पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा सबसे गहरा गड्ढा जो खोदा गया है वो भी 12 किलोमीटर तक ही खोदा गया। ये गड्ढे को रूस में खोदा गया था। दोस्तों, अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ कि हमारी पृथ्वी के नीचे क्या है। जब हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमें पृथ्वी के नीचे क्या दिखाई देता है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पृथ्वी के नीचे पूरा वैक्यूम है, और पृथ्वी के नीचे कुछ भी नहीं, क्योंकि पृथ्वी एक सोलर सिस्टम में है और ये सोलर सिस्टम गैलेक्सी में है। इसलिए पृथ्वी के नीचे गैलेक्सी के कुछ एलिमेंट जैसे कि धूल, बहुत ज्यादा दूर के स्टार जैसी संरचनाएं पृथ्वी के नीचे हो सकती हैं, और वो भी पृथ्वी के नीचे से बहुत ज्यादा दूर हैं। दोस्तों, अब हम पृथ्वी से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जानते हैं जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं रहस्यों की तरफ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पृथ्वी 3,959 मील की त्रिज्या के साथ हमारे सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है? और क्या आप ये जानते हैं कि पृथ्वी का कोर 85-88% लोहे से बना हुआ है, और इसकी परत पर लगभग 47% ऑक्सीजन मौजूद है? बरमूडा त्रिकोण, ये नाम शायद आप सबने सुना होगा। यहाँ पर होने वाले हादसों को लेकर वैज्ञानिकों का ऐसा तर्क है कि ये सभी हादसे पृथ्वी की मजबूत चुंबकीय शक्ति के कारण होता है। दोस्तों, पृथ्वी के पास एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है, जबकि बृहस्पति ग्रह में कुल 67 चंद्रमा मौजूद हैं। क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर समुद्रों में आने वाला ज्वार भाटा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है? पृथ्वी के वायुमंडल में 5 परतें हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। पृथ्वी का वायुमंडल जमीनी स्तर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक मोटा है, और इसका फैलाव 10,000 किलोमीटर तक का है। और क्या आप ये जानते हैं कि पृथ्वी के चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार से लगभग 27% है?
दोस्तों, क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर मौजूद महासागरों में से 95% से अधिक महासागर आज भी इंसानों की पहुंच से दूर है? और क्या आपको अंदाजा है कि पृथ्वी के घूमने की गति धीरे धीरे कम हो रही है? इसका अर्थ ये है कि अब से लगभग 140 मिलियन वर्षों में पृथ्वी पर एक दिन की लंबाई 25 घंटे हो जाएगी। दोस्तों, पृथ्वी कुल चार परतों से बनी हुई है, जिनके नाम है आंतरिक कोर, बाहरी कोर, मेटल और क्रस्ट। और दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि यदि पृथ्वी के सतह से दबाव और घनत्व कम हो जाए तो सभी जीव जंतु वस्तुएं पृथ्वी को छोड़कर अंतरिक्ष की तरफ उड़ने लगेंगी और कभी वापस पृथ्वी पर नहीं आएंगी। दोस्तों, पृथ्वी पर हर 4 साल में एक लीप दिन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी पर एक वर्ष ठीक 365 दिन का नहीं बल्कि 365.25 दिन का होता है, और ये बाकी के 0.25 दिन हर 4 साल में फरवरी के महीने के एक अतिरिक्त दिन लीप दिन में शामिल होता है। दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर लगभग 70% महासागर मौजूद है, जिसमें इस ग्रह का 97% पानी मौजूद है। ये महासागर महान रहस्यों और भौगोलिक विशेषताओं से भरे हुए हैं। दोस्तों, नील नदी पृथ्वी की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है, जो बुरुंडी में अपने स्रोत से 6,695 किलोमीटर दूर भूमध्य सागर तक फैली हुई है। जबकि अमेज़न पानी स्टोरेज के रूप में दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में ये पता लगाया कि पृथ्वी पर 1500 से अधिक खनिज पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें अभी तक खोजा नहीं गया है, जबकि अभी तक खोजे गए 5000 से अधिक खनिज पदार्थ हैं। क्या आप ये जानते हैं कि हमारे ग्रह पृथ्वी पर कुछ चट्टानें अपने आप चलती रहती हैं, लेकिन वैज्ञानिक इन चट्टानों की वास्तविक गति को पकड़ने में अभी तक असफल हैं। दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा का कुछ भाग पृथ्वी और समुद्र की सतह से टकराकर वायुमंडल में बदल जाता है। और क्या आप ये जानते हैं कि हमारी पृथ्वी अपना एक पूरा चक्कर कितने समय में पूरा करती है? अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, जिसे दिन और रात होते हैं। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट और 18 सेकंड लगते हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसा दावा किया है कि सूरज लगातार ज्यादा गर्म और ब्राइट हो रहा है। अगले 100 करोड़ साल में वो इतना गर्म और चमकदार हो जाएगा कि उसकी वजह से पृथ्वी के सभी महासागर सूख जाएंगे और धीरे धीरे पृथ्वी से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। अगर ऐसा होता है तो हमारे इस प्लेनेट पर जीवन नष्ट हो जाएगा और हमारी पृथ्वी एक गर्म गोले में तब्दील हो जाएगी। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। लेकिन जाने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आपके अपनों के पास भी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां पहुंच सके। उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर हाँ तो लाइक करके अपना प्यार दिखाइए, कमेंट करके हमें अपनी राय बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ज्ञान को ऐसे ही बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।